This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. This video is sponsored by Shivam Enterprises, Main Road, East Gao Market, official distributors of Jabronix sound speakers, wholesale and retail dealers of all types of electronic items. शुभम एंटरप्राइजेस में चल रहा है दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए से ज्यादा की खरीदी करने पर पाए एक फ्री लकी ड्रॉ कूपन। दिवाली के अगले दिन होगी लकी ड्रॉ। भाग्यशाली प्रतियोगियों को फर्स्ट प्राइज में मिलेगी 42 इंच की LED टीवी, सेकेंड प्राइज में मिलेगी एक वॉशिंग मशीन, थर्ड प्राइज में मिलेगी एक अलमारी, 20 भाग्यशाली लोगों को मिलेगी कॉन्सोलेशन प्राइजेस। शुभम एंटरप्राइजेस में आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और होम अप्लायंसेस मिलेगी। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। जल्द से जल्द खरीदी करें और पाइए लकी ड्रॉ कूपन। क्या पता आप भी हो सकते हैं लकी ड्रॉ विनर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9951962631। ये दृश्य है सिरपुर टाउन के SC कॉलोनी की। पंचायत के नल में ऐसा पानी आ रहा है। पानी ना सिर्फ काला है बल्कि काफ़ी बदबू वाला भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से ऐसा पानी ही नल में आ रहा है। ना नहाने को पानी मिल रहा, ना ही पीने को। सभी ने जल अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी है। जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान होना चाहिए, ऐसा स्थानीय लोगों ने कहा है। कल कागजनगर शहर के ESI हॉस्पिटल में पुलिस वालों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पुलिस फ्लैग डे के उपलक्ष्य में कागजनगर शहर में पुलिस ने ये कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भाग लिया। SP साहब ने ये कहा कि पुलिस हमेशा शहर के लोगों की सेवा के लिए तैयार है। पुलिस का रवैया हमेशा सख्त इसलिए होता है ताकि लोग सचेत रहें और कानून की मर्यादा का पालन करें। कागजनगर रेलवे स्टेशन पर बहुत बुरा हाल है। एक तो ट्रेनों में सिर्फ 2-4 डब्बे ही बिना रिजर्वेशन के हैं। ऊपर से भाग्यनगर एक्सप्रेस की तो अलग ही कहानी है। रात के 3:30 बजे निकलकर सिकंदराबाद जाने वाली भाग्यनगर एक्सप्रेस में गजब की भीड़ जाती है। रोज़ आधी रात के 2 बजे से यहाँ टिकट लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। सिर्फ एक ही टिकट काउंटर खुला रहता है। ऐसे में सभी यात्रियों को लंबी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। आउटसोर्सिंग टिकट एजेंट भी रात में टिकट देने नहीं आते। इससे जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। कागजनगर में अवैध शराब की पकड़बंदी जारी है। कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़ी मात्रा में अवैध गुडुम्बा पकड़ा। एक बड़े गैंग को इस मामले में गिरफ्त में लिया गया। गुड़, महुए के पौधे और अवैध केमिकल इस गैंग के पास से बरामद हुए। कई सामान महाराष्ट्र से तस्करी करके कागजनगर लाया जाता था। बाद में इसे छुपाते छुपाते गुडुम्बा बनाकर बेचा जाता था। इस पूरे गैंग को पकड़कर सभी सामान को नष्ट कर दिया गया। तेलंगाना के सभी सरकारी गुरुकुल स्कूल और KGBV खुल गए हैं। कोरोना काल में कई समय तक बंद रहे के बाद इन्हें आज दशहरे की छुट्टी के बाद खोल दिया गया। गुरुकुल और KGBV स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। इनमें बच्चों को फ्री में पढ़ने के साथ साथ रहने को खाने को भी मिलता है। कोविड के नियमों का पालन करते हुए इन हॉस्टल स्कूल्स को खोल दिया गया है।